नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। बन रहा है अपार धन लाभ योग। इन पांच राशि पर होगी लक्ष्मी मेहरबान, बनोगे करोड़पति। कहते हैं जब ग्रहों का मां संयोग बनता है तो इंसान की बुरी किस्मत भी बदल जाती है। जी हाँ, वैसे भी ग्रहों का व्यक्ति के जीवन में काफी महत्व होता है, इसलिए जब ग्रहों की दशा और दिशा बदलती है तो उसका असर व्यक्ति की खुशियों और गम पर पड़ता है। बता दें कि एक बार फिर कई सालों बाद ऐसा महासंयोग बन रहा है जिसके चलते पांच राशि वालों की किस्मत बदलने वाली है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी वे पांच राशियां हैं जिनकी किस्मत बदलने वाली है। मगर आपको इतना बता देना चाहते हैं कि जब व्यक्ति की किस्मत पलटती है तो व्यक्ति के अच्छे दिनों में बदलाव आने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आज की वीडियो में मैं जानकारी दूंगा, उसको आपको ध्यान से सुनना है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कौन से राशियों की किस्मत बदलने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बता रहे हैं, बन रहा है अपार धन लाभ योग। इन पांच राशि पर होगी लक्ष्मी मेहरबान, बनोगे करोड़पति। ग्रहों के महासंयोग परिवर्तन के कारण पांच राशियों की किस्मत बदलने वाली है। उनकी किस्मत में चार चांद लगने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस। साथ ही दिए गए बेल के बटन को दबाना भी ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। तो सबसे पहली राशि है वृषभ राशि। आज की लिस्ट में वृषभ राशि सबसे पहले है। वृषभ राशि की बात की जाए तो सबसे पहला नाम जिस राशि का आता है वह नाम भी वृषभ राशि है, जिसकी किस्मत बदलने वाली है। आने वाले समय में आपको भरपूर खुशियां मिलने वाली है। जी हाँ, गौरतलब है इस महासंयोग से, जो कि कई सालों बाद बना है, इस महासंयोग से आपकी किस्मत बदल जाएगी और इस महासंयोग के कारण आपको काफी लाभ होने वाला है। इसके साथ ही अगर बात की जाए आपको हर प्रकार के कार्यों में सफलता के बारे में, तो आपको हर प्रकार के कार्यों में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी, परिस्थितियां आपकी अच्छी बन रही हैं। कामकाज के मामलों में जो आपको सलाह मिलेगी वह आपके फायदे के लिए होगी, वह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण भी होगी। और वर्तमान स्थिति को समझेंगे तो भविष्य में आपको हर प्रकार की खुशी मिलने के योग बन रहे हैं। जॉब और बिजनेस में आपको फायदा होगा और इसके साथ ही नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी। पुरानी मेहनत का फल भी आपको इस समय में मिलेगा। आपकी उम्मीदों और कोशिशों में आपको बहुत अच्छा तालमेल होने की वजह से आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी और अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरी राशि की। अगर दूसरी राशि की बात की जाए तो दूसरी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों की बात करते हैं तो गौरतलब है कन्या राशि वालों की किस्मत वास्तव में ही चमकने वाली है। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप किसी नए काम की शुरुआत करेंगे और उस कार्य में आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। और इसके अलावा नए कार्य में आपको बड़ी सीख मिलेगी। बता दें कि आने वाला समय आपको खूब धन लाभ लेकर आने वाला है, यानी कि अगर सीधे शब्दों में कहें तो आने वाले समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। सोचे हुए सारे कार्य आपके इस समय में पूर्ण होंगे। आप अपनी मेहनत के बल पर सफलता हासिल करेंगे। आपको कुछ दोस्तों की मदद भी मिलेगी, जिससे आप अपने कार्य में और आगे बढ़ेंगे। पैसे कमाने के नए विचार आपके मन में आएंगे, जिस पर आप अप्लाई भी करेंगे और पैसे भी कमाएंगे। आप अपने पैसों की स्थिति पर विचार करेंगे और सेविंग को भी बढ़ाएंगे। किसी निवेश के लिए पैसे की बचत करने की बात भी आपके मन में रहेगी और खर्चों में कटौती करने का मन आप बना लेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन के योग बन रहे हैं और परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए आपकी भागदौड़ भरी जिंदगी के बारे में, तो इस समय वह खत्म हो जाएगी। आपको अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपको नए नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राशि के बारे में। नेक्स्ट राशि है तुला राशि। तुला राशि, इसके बाद हम तुला राशि वालों की बात करते हैं। गौरतलब है इनके लिए भी आने वाला समय काफी शुभ होगा, जहां इन्हें व्यापार में लाभ होगा। उसके अलावा अगर आप अपने पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे तो उसकी लव लाइफ भी आपके लिए बेहतर रहने वाली है। बता दें कि आने वाले समय में ना केवल आपको अपने प्यार का पूरा संयोग मिलेगा, बल्कि आप खूब तरक्की भी करेंगे। इसके साथ ही अगर
आपका कोई रुका हुआ कार्य है तो वह, या फिर बहुत दिनों से आप किसी कार्य को करने की सोच रहे थे लेकिन वह कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा था, तो फिर इस महासंयोग के कारण वह कार्य पूर्ण हो जाएगा। जिस कार्य के बारे में आप सोच रहे थे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। जिस कार्य के बारे में आप केवल सोच रहे थे, स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, आप उसे स्टार्ट कर पाएंगे। इस समय में उस कार्य को आप बड़ी सफलता पूर्वक कर लेंगे। कामकाज इस समय में ज्यादा रहेगा लेकिन आप इसको संभाल लेंगे और आपको नई जिम्मेवारी भी अभी इसी समय में मिलेगी और आपकी कोशिशें भी आपके लिए पूर्ण रंग लेकर आएंगी। जो काम आप हाथ में लेंगे उसे आप आराम से कर लेंगे और समय पर करके सफल हो जाएंगे और हर प्रकार की सफलता को हासिल करेंगे और आपकी कोशिशों की वजह से आपका हर कार्य में सफलता मिलेगी और आप हर तरीके से धन प्राप्ति करेंगे। नए विचारों की वजह से आपको हटकर सफलता मिलेगी और सफलता के मुकाम को हासिल करेंगे। मेहनत से सफलता मिलने के लिए आपके लिए बहुत ही प्रबल योग बन रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वालों की बात की जाए तो आने वाला समय आपके लिए धन कमाने के लिए बहुत ही शुभ है। आप धन कमाने के नए नए और बेहतरीन साधन को लेंगे और इसके साथ ही आपको नए साधन और बेहतरीन संसाधन भी प्राप्त होंगे। नए रास्ते भी खुलेंगे जहाँ तक कि आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी। आपका मन भी बेहद खुश रहेगा, यानी अगर सीधे शब्दों में कहे तो आने वाला समय आपके लिए खूब अच्छा रहने वाला है। यही नहीं, आपको खूब आगे बढ़ने वाला समय भी है। आप बिजनेस और कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे, सोच समझ कर निवेश करेंगे तो आपको धन लाभ भी मिलेगा। आपकी मर्जी का कोई काम करने का मौका भी आपको इस समय में मिलेगा, जिस वजह से आप सफलता तो आपके कदमों में होगी। किसी काम में ही लगे रहने से उस समय पर आपको उस कार्य को पूर्ण कर लेंगे। अगर गोचर की बात की जाए तो ग्रहों के महासंयोग के कारण आप जो भी अब तक आपने काम किए थे उसमें आपको सफलता मिलेगी और जो आपके फालतू खर्चे चल रहे थे, चाहे वे बीमारी में खर्चा हो रहा हो या फिर किसी मुसीबत की वजह से खर्च हो रहा हो, वह अब सेविंग आपकी होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर किस्मत की बात की जाए तो किस्मत का आपको पूरा साथ मिलेगा, यानी कि किस्मत की तरफ से आपको पूर्ण मदद मिलने वाली है। आप हर कार्य में सफल होंगे। मन कोई बात अगर आपकी दबी हुई है तो वह इस समय में आपके मन से निकाल देंगे। सेहत संबंधी बात की जाए तो सेहत के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। प्रेम संबंधों की अगर बात की जाए तो प्रेम संबंधों के लिए भी आने वाला समय आपका अच्छा है। अगर आप विवाहित हैं तो विवाह के पूर्ण संयोग मिलेंगे और विवाह के योग बन रहे हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह जल्दी हो जाएगा, लेकिन आपको एक सलाह दी जाती है कि आप खुद पर कंट्रोल करें, दोस्तों से विवाद और लेन देन करने से बचें। वैसे आपके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं लास्ट राशि के बारे में, यानी कि कौन सी लास्ट राशि है जो इस महासंयोग की वजह से उनकी किस्मत बदलने वाली है। नेक्स्ट राशि है दोस्तों कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों की बात करते हैं तो बता दे कि आपको प्यार और परिवार दोनों में काफी समय काफी सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपके आने वाले समय में आपके लिए काफी अटके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे, ऐसा समय आपके लिए आ रहा है। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपको प्रमोशन होने के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने वालों को नए नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। इसी समय में आपको कोई नई और अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको नए कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त होंगे जिससे आपको धन लाभ होगा। इसी समय में आपको नई नई अच्छी खबर सुनने को भी मिलेगी। नए लोगों से दोस्ती होने के योग बन रहे हैं। अपने धैर्य और चुप्पी से आप किसी को भी हरा सकते हैं। मानसिक ऊर्जा का विकार विस्तार होगा और सकारात्मक माहौल बनेगा। अगर आप सकारात्मकता का इस्तेमाल करेंगे तो आगे जरूर बढ़ेंगे। परिवार और पार्टनर के साथ चल रही अनबन इस समय खत्म हो जाएगी। प्रॉपर्टी संबंधी जितने भी पुराने मामले चल रहे हैं वे सुलझ जाएंगे। पुराने कार्यों का पॉजिटिव नतीजा आपके समय इस समय आपको मिलेगा। अगर बात की जाए आपके पार्टनर के बारे में तो पार्टनर से हर प्रकार की मदद आपको मिलेगी, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा समय अपने पार्टनर को देना होगा। इससे प्रेम संबंध और मजबूत होंगे और आपको हर समय हर प्रकार की सलाह आपको अपने पार्टनर से करके ही चलनी चाहिए। इससे आपको अच्छी सलाह भी मिलेगी। आपको सब काम करना होगा और इसमें आपको फटाफट से आपको सफलता भी मिलेगी। जितने भी पिछले कई दिनों से आपके काम अटके हुए हैं वह सभी पूर्ण हो जाएंगे। जो काम अभी तक आपके पूर्ण नहीं हो पाए थे, इसके साथ ही कार्य क्षेत्र में भी आपको सावधानी बरतनी होगी। जल्दबाजी और कामकाज ज्यादा होने की वजह से आपको नुकसान भी हो सकता है। कोई खास फैसला करने के लिए यह समय आपके लिए अच्छा है। जिम्मेवारियों के बोझ से आपका मूड खराब हो सकता है। जो काम जरूरी है उस समय आप उसे कर ले। इसके साथ ही आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलने के योग बन रहे हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें और लाइक करें हमारी इस वीडियो को, और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही दिए गए बेल के बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि दोस्तों हम हर रोज लाते रहते हैं
ऐसे ही जबरदस्त वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंगबली।